तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेंज और वियर टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के बारे में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और हाँ, ये नया कैमरा एंगल आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ चेंजेस वगैरह करना है जो मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्ट से। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्ट है, अगर आप प्रिंटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हैं, आप प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हैं, फोटोकॉपी वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है, फैक्ट है, कि अगर आप फॉन्ट साइज चेंज करते हैं या फिर डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अपनी जो प्रिंटर की इंक है या फिर टोनर पाउडर वगैरह मैं बोलूँ, उसको आप सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर आप कितने परसेंट की सेविंग कर पाओगे, और यहाँ पर मैं भी आपको अच्छे से बता नहीं पाऊँगा कि एग्जैक्टली कितना परसेंट आप इंक या टोनर वगैरह सेव कर पाओगे, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर काम करेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई सारे जो फॉन्ट रहते हैं वो बोल्ड साइज़ में रहते हैं, रेगुलर साइज़ में रहते हैं, या फिर साइज मीन्स उनकी जो थिकनेस वगैरह रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, बोल्ड में जो लेटर है वो काफ़ी एरिया कवर करता है अगर मैं उसे लाइट फॉन्ट से कंपेयर करूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप इंक टोनर वगैरह को सेव कर पाएंगे अगर आप लाइट फॉन्ट का यूज़ करेंगे रैदर देन बोल्ड। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना परसेंट आप सेव करेंगे ये मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकता। तो अगर आप ये चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करिए, अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो आप नीचे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला जो फैक्ट है वो है ईमेल एड्रेस के बारे में है। तो अगर आप ईमेल वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ईमेल है वो वर्ल्ड वाइड वेब के पहले से एग्जिस्ट करता है। मेलिंग है वो हम काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ पर एक वीडियो है यूट्यूब में, ईमेल इन 1984 करिए कुछ इसी टाइप का नाम है, मेरे को अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं नाम को, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि 1980s में ईमेल वगैरह कैसे सेंड किया करते हैं जब दुनिया पूरी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं थी। उस समय जो ईमेल एड्रेस था वो काफ़ी अलग था अभी के एड्रेस से। अभी के जो ईमेल एड्रेस हैं वो कुछ इस टाइप के रहते हैं, जैसे कि xyz@gmail.com@yahoo.com। पहले के जो ईमेल एड्रेस से हुआ करते थे वो कैरेक्टर और नंबर को मिला के कुछ इस टाइप के कॉम्बिनेशन में एड्रेस दिया जाता था उनको, फॉर एग्जांपल जैसे 777-12-777-A2 इस टाइप के कुछ नंबर थे, इन नंबर के थ्रू ईमेल एड्रेस डिफाइन किया जाता था। तो ये काफ़ी अच्छा लगा देख के कि ईमेल हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, और वीडियो में देखिए आपको पता चल जाएगा किस टाइप के पहले इंटरनेट को यानी काइंड ऑफ इंटरनेट को यूज़ किया जाता था उस ज़माने में। और अगर आप कीबोर्ड में टाइप वगैरह कुछ ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कीबोर्ड में आप क्वालिटी लेआउट देखते हैं कीज़ का, उसे डिज़ाइन किया गया था यूज़र्स को स्लो टाइप करने के लिए। अब एक्चुअली में होता ये था कि जब सबसे पहले टाइपराइटर वगैरह बने गए, तो वहाँ पर जो कीज़ वगैरह थे वो काफ़ी सीक्वेंशियल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थे, सीक्वेंस में था सब चीज़। तो वहाँ पर जब यूज़र्स फास्ट टाइप करते थे तो जो मैकेनिकल पार्ट थे वे एक दूसरे से टकरा जाते थे और फिर जाम हो जाते थे वहाँ पर, तो ये काफ़ी अनकन्वीनियंट था, यानी टाइप करते करते जाम हो जाना, तो वहाँ पर डेफिनेटली कोई स्मूथ एक्सपीरियंस तो रहता नहीं होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्वर्टी लेआउट को यानी कीज़ को इधर उधर डिज़ाइन कर दिया गया था, कि किसी भी सीक्वेंस में कीज़ को दबाया जाए तो वहाँ पर जो मैकेनिकल पार्ट है वो एक दूसरे से टकराए ना और जाम ना हो। हालांकि इस जाम को बाद में ठीक कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो लेआउट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसे हम आज भी यूज़ करते हैं। काफ़ी वियर्ड बात है ना कि इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया था काफ़ी स्लो टाइप करने के लिए, ताकि जाम वगैरह ना हो, लेकिन आज हम इसी लेआउट में काफ़ी फास्ट टाइप करते हैं। तो अगर आप पैसों में मनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, हालांकि पैसों में तो सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन फिर भी ये बात जान के आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि दुनिया की जो आधी से ज़्यादा जो करेंसी है, अराउंड 92% ऑफ द वर्ल्ड करेंसी इज़ इन डिजिटल फॉर्म, उनका डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्टेंस है ना कि ओरिजिनल फॉर्मेट में। सिर्फ 8% जो करेंसी है वो आप फिजिकल उनका एग्जिस्टेंस देख पाएंगे, जैसे पेपर नोट और कॉइन्स वगैरह में, बाकी जितनी भी करेंसी बची हुई है अराउंड 92% जो करेंसीज हैं वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में, सर्वर्स वगैरह में स्टोर है, उनका किसी भी तरीके से फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो भी आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हो, जो भी आप अपने बैंक अकाउंट में नंबर देखते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैंक में आपके 1,00,000 रुपये दिखा रहा है, जो फिगर दिखा रहा है वो उतना आपके पास एक्चुअली में फिजिकली हो बैंक के पास, बस फिगर्स हैं कंप्यूटर में स्टोर हैं, तो जिससे आप ट्रांजेक्शन वगैरह सभी चीज़ें कर सकते हो। इंटरनेट की बात चल रही है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 लेटर के जो डोमेन है वो इंटरनेट से ख़त्म हो चुके हैं। अब डोमेन मतलब जैसे आप google.com, facebook.com, youtube.com करते हैं, तो वो एक डोमेन है पूरा एक वेबसाइट का, तो उसमें से जो 4 लेटर के जो डोमेन है
aaa.com से zzzz.com तक जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, 4.5 लाख से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं, और सभी कॉम्बिनेशन के जो डोमेन है वो परचेज़ कर लिए गए हैं, वो आपको इंटरनेट में आप कभी नहीं मिलेंगे। आप खुद जाके ट्राई करिए डोमेन सर्च में, अगर मिल जाए इसमें से कोई कॉम्बिनेशन तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डोमेन्स के बारे में और एक फैक्ट बताऊं तो ये डोमेन स्पेकुलेशन का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी काफ़ी सारे जो कंट्रियों में यूज़र्स हैं वो इससे अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और यहाँ पर एक आदमी ने 2012 में अराउंड 14,962 डोमेन्स को रजिस्टर कर दिया था 24 आवर में। वो एक डोमेन स्पेकुलेटर थे और उन्होंने इतने सारे डोमेन जो बड़ी बड़ी कंपनियों के या फिर जो डोमेन है यूज़फुल है और जो डोमेन महंगे बिक सकते हैं उनको उन्होंने पहले ही परचेज़ कर लिया, ताकि अगर कोई उन डोमेन्स को सर्च करे तो डेफिनेटली वो अवेलेबल तो होंगे नहीं, तो उसको सामने वाले को एक अच्छी खासी कीमत में बेच सके। तो इस टाइप का वो 24 घंटे में अराउंड 15,000 डोमेन को उन्होंने रजिस्टर किया इंटरनेट पे। एप्पल कंपनी के लोगों को तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, और कैसे नहीं जानोगे, आजकल गूगल में भी अगर आप एप्पल टाइप करो तो वो एप्पल कंपनी का लोगो को ही दिखाता है, वो फ्रूट वाला एप्पल को तो आजकल दिखाता भी नहीं है। तो यहाँ पर एप्पल का सबसे पहला लोगो कुछ इस टाइप का नहीं था। सबसे पहला लोगो में आइज़ैक न्यूटन थे जो कि एक पेड़ से टिक के बैठे हैं, और जो एक सेब है वो उनके सर में गिरने ही वाला और हिट करने वाला है, और कहा जाता है कि उसी दौरान उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी थी। तो वहाँ पर इस टाइप का लोगो कुछ एप्पल ने अपने कंपनी के लिए पहले रखा था, बाद में एप्पल ने उसे चेंज कर दिया और कुछ इस टाइप का लोगो रखा जिसे हम बोलते हैं आधा खाया हुआ सेब भी। तो अब मुझे शायद पता चल गया है या फिर लग रहा है कि वो सेब आखिर खाया किसने। एप्पल कंपनी के बारे में और एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आप चाइना जाते हैं तो चाइना में आपको हर जगह एप्पल स्टोर देखने को मिल जाएंगे, और वो हूबहू यानी एकदम डुप्लीकेट कॉपी है ओरिजिनल एप्पल स्टोर के। यहाँ आप देख के आप बिल्कुल भी बता नहीं सकते कि वो ओरिजिनल एप्पल स्टोर नहीं है। हालाँकि जिनको आइडिया है इस बारे में वो उस चीज़ को देख के समझ जाएंगे, अंदर जो चीज़ें प्रोडक्ट रखे हुए हैं वो भी डुप्लीकेट रहते हैं एप्पल प्रोडक्ट के। तो वहाँ पर ऐसा दूर से देख के या फिर कुछ ऐसा अगर कुछ इस बारे में नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है, तो वो ईजिली फूल बन जाए ना, बेवकूफ़ बन सकता है कि वो एप्पल स्टोर है, लेकिन एक्चुअल में वो एप्पल स्टोर की कॉपी रहता है। इवन यार वो फ्लोर मैट से लेके हर चीज़ कॉपी करते हैं कि डुप्लीकेट यानी डिप्टो वो एप्पल स्टोर टाइप के लगे, यानी कोई भी चीज़ उनसे बचता नहीं है कॉपी करने में। वैसे भी चाइना कॉपी करने के लिए मशहूर है, पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी यार ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। प्लस यहाँ का जो एम्प्लॉय है, बीच में केस आया था जहाँ पर वो वहाँ के एम्प्लॉय को भी तक नहीं पता था, एम्प्लॉयज़ तक को नहीं पता था कि वो एक फेक एप्पल स्टोर है, उनको लगता था कि वो एक ओरिजिनल और ऑथराइज्ड एप्पल स्टोर में काम करते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी। और अगर आप ब्राउज़र में कभी मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, और यूज़ करते करते कभी भी आपने सोचा होगा कि जो फायरफॉक्स का लोगो है वहाँ पर जो फायरफॉक्स है उसे आप रिलेट करते होंगे रेड फॉक्स से, ब्राउन फॉक्स से, या फिर जो फॉक्स है लोमड़ी से रिलेट करते होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका रिलेशन फॉक्स से, लोमड़ियों के खानदान से भी कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ पर जो फायरफॉक्स का लोगो है उसे रिलेट किया जाता है, हिमालयन रीजन में एक रेड पांडा रहता है उसे देख के वो लोगो बनाया गया है, तो एक्चुअल में उसे लोमड़ी से फॉक्स से कोई रिलेशन ही नहीं है। सो गाइस, यही कुछ इंटरेस्टिंग वियर टेक्नोलॉजी फैक्ट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मुझे इसमें से कुछ पहले से पता थी, कुछ नहीं पता थी, तो जो मुझे बाद में पता चल गई। उम्मीद करता हूँ आपको भी इससे काफ़ी कुछ पता चला होगा, और इस टाइप की नॉलेज अगर आपके पास भी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में फेसबुक करिए, वहाँ के मैसेज बॉक्स में मुझे डालिए, और मैं उसे अगली बार के जब इसका सेकंड पार्ट वगैरह बनाऊंगा तो वहाँ पर उस चीज़ को ज़रूर ऐड करूँगा। और कुछ दूसरी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना है, बताना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज प्रसन्न आलविया, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।